जय स्वामीनारायण। वेलकम टू रेखा क्याडा हॉबीज। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम साबूदाना और आलू की फराली खिचड़ी बनाएंगे। इस साबूदाना की खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटी कटोरी साबूदाना लिया था, उसको 6 घंटे पानी में भिगो दिया था। इसके बाद इस साबूदाना को एक छन्नी में निकाल लीजिए ताकि जो पानी है वो निकल जाए। इस खिचड़ी में जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने पहले से काट के रखी है। आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और अनार के दाने लिए हैं। एक पैन में 4 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और उसमें छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए। अब इस ऑयल में कड़ी पत्ता डाल दीजिए। एक बड़े वाले कच्चे आलू के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, वो इसमें डाल दीजिए। अगर आप चाहो तो प्रेशर कुकर में सीटी करके आप पके हुए आलू को भी ले सकते हैं। इस आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दीजिए। थोड़े से मूंगफली के दाने डाल दीजिए। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लो। इस पैन को ढक्कन की मदद से ढक दो। 10 मिनट तक ये ढक्कन रखो, उसके बाद ढक्कन को खोल लो और चेक कर लो, ये आलू और मूंगफली के दाने अच्छी तरह से पक गए हैं। मूंगफली को मैंने मिक्सर में पीस लिया है। इस पीसी हुई मूंगफली के दाने को इसमें डाल दीजिए। एक कटे हुए टमाटर को इसमें डाल दीजिए। एक हरी मिर्च को काट के इसमें डाल दीजिए। ग्रेटेड अदरक को डाल दीजिए। अब इस पैन में हमने जो छन्नी में निकाल के साबूदाना रखे थे वो डाल दीजिए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आधी चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। आधे नींबू का रस डाल दीजिए। बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डालिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए, ये बिल्कुल ऑप्शनली है। हमारे साबूदाना की खिचड़ी रेडी हो गई है। सर्व करने के लिए इस खिचड़ी को एक कांच के बाउल में निकाल लीजिए। इस खिचड़ी को अनार के दाने और धनिया से गार्निश कीजिए। वाओ, कितनी कलरफुल खिचड़ी लग रही है, देखते ही खाने का मन हो रहा है। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।